आप सभी को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही थी। दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400 300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे, हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो कई अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए। एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड हैं, उसने 100 बेड कम कर दिए। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के बेड्स की, आईसीयू के बेड्स की संख्या को और बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे, तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। इस तरह से कई अस्पतालों को, हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, LNJP में बेड कम करने पड़े, GTB में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब एक तो मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जितने जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के, वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। दूसरी बात, कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकात हुई इन दिनों में। सभी अस्पताल, दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एकजुट होकर एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें उचित, समुचित अगर ऑक्सीजन दिलवा दें, तो हम और बेड बढ़ा लेंगे। कोई कहता है मैं 100 बेड और बढ़ा दूंगा, लोगों को बचाने के लिए मैं 150 बेड और बढ़ा दूंगा। कोई कह रहा है मैं 50 बेड और बढ़ा लूंगा। इस तरह से कम 1,000, 1,500, 2,000 बेड हम अपने मौजूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सीजन डेली आया करेगी, तो वो न केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं, उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिशन दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है दिल्ली के अंदर, हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे। ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी
ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में दो जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9,500 बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। दिल्ली में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन का बेड हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करा पाएंगे अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाए तो। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन का बेड मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। दूसरी बात, अंत पंत में तो अपने को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। इसका समाधान तो वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन अभी 18 से 45 साल की उम्र के युवाओं के लिए जब से हमने वैक्सीनेशन खोला है तो बड़ा उत्साह है युवाओं के अंदर वैक्सीन लगवाने का। पिछले 3-4 दिन में मैं, मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, हम सब लोग कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करके आए हैं, युवाओं से मिल के आए हैं। इतना उत्साह है युवाओं के अंदर। और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने की है आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में, उसको लेके लोग बहुत खुश हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, इतने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, युवाओं के, कि जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वैक्सीन लगवा के। मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है, युवाओं से क्या, अब तो 18 साल से ऊपर जो भी है, केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप जरूर रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सीन लगवाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए। अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोज दे चुके हैं। इनमें पहली डोज 28,00,000 लोगों ने केवल एक डोज ली है और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज ली है। और पिछले 3 दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए, युवाओं के लिए ये खुला है। 3 दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाओं को वैक्सीन लगी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी। अभी हमारी जितने पिछले 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत सलीके से, ठीक तरीके से अब चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। एक ही कमी है, आज हम चाहें तो इस वैक्सीन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी, सप्लाई की कमी हो रही है। अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन कर देंगे, तो अभी सप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सप्लाई हमारे पास सफिशेंट आ जाएगी, जितनी जल्दी सप्लाईज आ जाएंगी, हम इसको बहुत सारे सेंटर खोल देंगे। सेंटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी सरकारें काम कर रही है। ये एक इतनी बड़ी महामारी है जिसको कोई भी अकेले इस पे पार नहीं पा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से सब लोग मिलके काम करेंगे, सारी सरकारें मिलके काम करेंगी। कोर्ट्स का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी कोर्ट्स भी मदद कर रहे हैं, सारी संस्थाएं भी मदद कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाले की कृपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे। नमस्कार।